नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीजेड। जनपद आगरा से इस वक्त की खबर। शहीद दरोगा प्रशांत यादव को दी गई आगरा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि। विभागीय अधिकारियों और कर्मियों ने किया दरोगा प्रशांत को नमन। एडीजी राजीव कृष्ण, एसएसपी बबलू कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और विधायक राम प्रताप चौहान ने दी श्रद्धांजलि। बुधवार देर शाम थाना खंदौली क्षेत्र में खेत के विवाद को निपटाने पहुंचे दरोगा की हुई थी हत्या। समाचार ए टू जेड के लिए आगरा से जावेद खान के साथ सद्दाम खान की रिपोर्ट। क्षेत्र का ये गांव है और एक ऐसा लाल चला गया जो परिवार में अकेला पुरुष था। हम संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से इस तरह की घटना बहुत हृदय विदारक होती है जिनके छोटे छोटे बच्चे हों। और कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस समय कहने के लिए। चलो चलो। थाना खंदौली के अंतर्गत ये दो विवाहियों का आलू का विवाद था, उसको सुलझाने के लिए मौके पर प्रशांत कुमार यादव अपने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 32 साल थी मात्र। उसमें से पहले से तमंचा लेकर के खड़े एक भाई ने मौके पर उस पर गोली चला दी, गोली गर्दन में लगी और उनकी ये हत्या हो गई। ये सबसे बड़ी दुखद और हृदय विदारक ये घटना है। मैं परिवारजनों के प्रति संवेदना और प्रशांत कुमार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख की जो घोषणा की थी उसमें 40 लाख रुपए उनकी पत्नी रेनू के नाम और बाकी अन्य पिताजी या माताजी जो भी हैं परिवार के उनके नाम 10 लाख रुपए दी गई है। और एक परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा की है और इसकी सड़क बननी है। ये बात की बात है लेकिन ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। आज शहीद इंस्पेक्टर प्रशांत का पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ उनको यहाँ से विदा किया गया है। बहुत बड़ी विदा किया गया है। उनके परिजन भी मौजूद थे। बहुत हम सभी के लिए बहुत बड़े पुलिस परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी भी है। और शासन ने जो कल अनाउंसमेंट किए थे उसमें IDM साहब ने माननीय मंत्री जी उनको जैच प्रदान कर दिए हैं। और वहाँ तक अपराधियों का प्रश्न है, जो अपराधी है उसका प्रश्न है, उसके लिए ऑलरेडी कई टीमें लगी हुई हैं। रात भर में काफ़ी उसमें प्रोग्रेस हुई है, रात भर में कुछ सूट मिले हैं हमको और मुझे पूरा विश्वास है जो कि लोगों को बहुत जल्दी ही हम लोग उसमें जो कार्रवाई करनी है कड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कल परिवार वालों में कुछ नाराजगी हुई कि ऐसा कोई खराब की कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार वालों का परिजनों का दुख और नाराज़गी दोनों ही स्वाभाविक है और जो भी बिंदु आएगा अगर कहीं तक किसी प्रकार की लापरवाही होगी तो उसको उसके उसको भी कार्रवाई की जाएगी। पर अभी जो हमारी प्राथमिकता थी वो परिजनों को सांत्वना देना, सैनिक सम्मान के साथ बॉडी को विदा करना और मुलजिमों को खिलाफ कार्रवाई, जो भी कार्रवाई ठीक है।